हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन से मैं खा रही थी राजमा चावल और कुकी मेरे को घूर घूर के देख रही थी। अब ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी अपना आधा सर ला के, जब तक मैं सर नहीं धो लेती। और अभी हम जा रहे हैं मोमोज बनाने, जा कर रहे किचन में जा रहे मोमोज बनाएंगे मैं और मेरा भाई। और मेरी आवाज़ को कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो हम कर रहे हैं मोमोज बनाने की कोशिश, तो देखते हैं कैसे बनते हैं मोमोज। चलते हैं, अभी करते हैं मोमोज बनाने की तैयारी और देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे मोमोज। स्टे ट्यून्ड। मेरा भाई चल रहा था कि पहले मोमोज बनाते, पर मैं जल्दी से गई और सर धो के आ गई। तो यहाँ पे भी मेरा भाई सबसे पहले मोमोज के मेन इंग्रेडिएंट कैबेज, बंद गोभी जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, उसको साफ कर रहा था और मैं टाइम पास कर रही थी। पर अब फिर मैंने भी काम स्टार्ट किया। गाइस ये देखो प्याज, आपने कहाँ देखे होंगे, आपके घर में होते नहीं होंगे ना प्याज। ये देखो, अरे कुछ शेफ बाल बांध गया पहले। बंद गोभी, बाल भी मेरे गीले हैं गाइस, मैं मानूंगी। ये देखो बंद गोभी, मैंने बाल धो दिए और मैं ऐसे ही किचन में आ गई हूँ। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं कुछ दिखाती हूँ। देखो ये देखो, ये हमारा बंद गोभी, ये हमारा बंद गोभी है। ये देखो, और ये भी हमारा बंद गोभी है। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बंद गोभी को हम ग्राइंड कर रहे हैं ताकि ये ऐसा हो जाए। फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसा पकाएंगे और फिर इसको हम मिक्सी लेके आ जाए। ये है हमारा बंद गोभी, ये देखो कैसा बंद गोभी। इसको हम इसको दे देंगे, आवाज़ कुछ नहीं आ रही होगी क्योंकि इसने ग्राइंडर लगा दिया है और सिर्फ शोर आ रहा होगा। ठीक है, तब तक वो देख लो पीछे ग्लास वाला नाइफ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये दूसरा नाइफ पकड़ाया। अब मैं इसे ये काट लूँ प्याज, फिर मैं आपको मैदा। और ये मैं करूँगी प्याज चॉप। ठीक है, ये मेरा स्पेशल नाइफ आ गया वापस। ठीक है, और कुछ नहीं, अभी ये चॉप करने हैं प्याज बिल्कुल छोटे छोटे, तो मिलती है ये सब चॉप करने के बाद आपको। चलो गाइस, वीडियो बनाते हुए पहला कांड कर दिया मैंने। देखो मैं प्याज चॉप कर रही थी ना, ये प्याज तो इधर चॉप हो गया और बाकी कहीं और चॉप हो गया। मैं दिखाती हूँ, ये देखो प्याज, मैंने पता नहीं क्या किया, ये प्याज स्लिप हो गया और नीचे गिर गया है। ये रहा लहसुन और ये रहा पता नहीं क्या, स्प्रिंग अनियन है शायद, और ये कैरेट थोड़ी सी मैंने डाल भी दी है उसमें क्योंकि इसको जल्दी हो रही थी। अब ये डालना है, डाल। ये देखो ये सब चला गया है इसके अंदर, अब इसको बनाएंगे और तब तक चटनी की प्रिपरेशन दिखाती हूँ आपको कुछ। और ये देखो इसमें हमने डाल दिया है राइस कुकर में, क्योंकि हमें इसको ही स्टीमर का मतलब इसको ही हम एज स्टीमर यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसमें ही चटनी की प्रिपरेशन के लिए वो कर दिया, जो भी किया है प्रिपरेशन के लिए कर दिया है। तो इसमें हमने डाला कितने, थोड़े से टमाटर डाले और थोड़ी सी रेड चिलीज डाली है सूखी हुई, उनको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे क्या करूँगी। तो अब वो हो रही है इसमें बॉईल। ये रहे हमारे मोमोज, और ये कर रहा है बंदा हमने लाया नेपाल से, फिलिंग कर रहा है। ये देखो देखो क्या मोमोज की शेप बनाई है, और एक बैच हमने डाल भी दिया है। ठीक है, और ये इतनी सी फिलिंग बची है अब। और ये देखो टमाटर और मिर्ची जो हमने बॉईल किए थे उनको कर देंगे इसमें ग्राइंड, पेस्ट बना देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। मैदा बच गया था क्योंकि फिलिंग कम थी, तो मैंने सोचा इसको कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, शायद से मटरी ऐसे ही बनती है, देखते हैं बन ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तो बस मैंने इसको रोल कर दिया, अब इसको कट करके इसमें डाल देंगे फ्राई करने, देखते हैं क्या बनता है। ये देखो ये मटरी बनाना सक्सेसफुल हो गया, ये बन गई थोड़ी सी, और अभी ये इतनी सारी है और बनाऊंगी। चटनी हो गई है रेडी, और ये बहुत सारी चटनी थी तो मैंने ये थोड़ी सी इसमें ट्रांसफ़र कर दी, रात को खाने के साथ खाऊंगी, और बाकी ये रही इसके अंदर। और अब जाके खाते हैं मोमोज। और हम लोग बैठ के थे मोमोज खाने, सबसे पहले हमने प्लेट में चटनी डाली, हमारे पास ग्रीन चटनी पहले की पड़ी हुई थी पुदीना वाली, और हमने डाली मेयोनीज़ और जो भी रेड चटनी बनाई थी वो, और ये हमारी प्लेट में तिरंगा बना दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कुकर खोला और हमें दिखे बहुत सारे मोमोज, गरम गरम मोमोज, और फिर हमने इनको प्लेट में डाला और खाया।
और मोमोज़ यहाँ से निकालते निकालते बहुत लड़ाई की, क्योंकि अगर आपके भाई बहन होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कितनी लड़ाई होती है हर चीज़ को डिवाइड करने के पीछे की, बिल्कुल हाफ हाफ करना है, अगर कोई चीज़ हाफ हो रही है तो उसका भी हाफ हाफ करना है। और ये मोमोज़ दिखने में शायद उतने टेम्पटिंग नहीं लग रहे होंगे, पर ये अच्छे बने थे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। ओके, बाय।